हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं और काफ़ी लेट हो गए हैं। थोड़ा सा हमारे यहाँ फेलियर हो गया था लाइट ब्रेक डाउन करने के कारण, तो हम ये अपलोड नहीं कर पाए। शूट हुआ था फिर वापस से बन रहा है। ठीक है, चलिए 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अपन जस्ट हमला बोल देते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, इक्वल रेम्यूनरेशन है कि एक तो वेजेस एक्ट मैंने आपको बता दिया, एक इक्वल रेम्यूनरेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। एक तो मिनिमम वेजेस एक्ट और एक इक्वल रेम्यूनरेशन। देखिए, ये शुरुआत हुआ 1976 में। इस समय क्या हो रहा था, अमेरिका एक तरीके का बूम बन रहा था, मतलब बूम यानी पावर हाउस बन रहा था। और उस समय जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो फेमिनिज्म उठता और वहाँ पर एक मांग उठी कि जो 50% आबादी है वर्ल्ड की, उसको भी रोजगार देना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर इक्वल लेबर थी नहीं, इक्वल वेजेस थे नहीं, तो वो भी चाहते थे कि वुमेन चाहे और वर्कर ऑफिस में आए, कंपनीज में आए और काम करें। तो उसी की जस्ट इन्फ्लुएंस होकर इंडिया के अंदर भी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बना। इसका मेन बेनिफिट ये होता था कि जो वुमेन है उनको कम वेजेस दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू द मेन एज सिमिलर वर्क, यानी कि एक मजदूर है वो, दोनों मैन और वुमेन है, तो उन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, है ना, कि मैन है तो आप भैया 200 रुपये ले जाओ, वुमेन है तो 150 ही दिए जाएंगे। और ये आज भी चलता है, आप भी गांव देहात में आप देखेंगे या लोकल ठेकेदारों के यहाँ देखेंगे तो वहाँ 250-300 आपको बेलदारों को दे देंगे, लेकिन वुमेन में बात आएगी तो वो 200 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाया गया इसके लिए। इसका मेन था कि जो गैप के कारण, जेंडर गैप के कारण जो डिस्क्रिमिनेशन इमर्ज हुआ है उसको रिवोक करना और वुमेन को एक एम्पावरमेंट देना कि हाँ आपको भी इक्वल वेजेस मिल रही है। जेंडर बायस ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए बनाया गया। इसके की प्रोविजन यही थे कि इक्वल प्रे को प्रमोट करना, सिमिलर नेचर का वर्क होना चाहिए, याद रखना नेचर कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, इसने डिफाइन किया। और नो डिस्क्रिमिनेशन इन द रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में जो एज बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, एज बेसिस पे तो होता है कर सकते हैं अपन, लेकिन जो कास्ट बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन, कलर बेसिस पे जो था वो वॉइड कर दिया गया। एनफोर्समेंट इसको एप्लीकेबल कर दिया गया था और इसके थ्रू ग्रेवियंस भी आप रेस करते थे और केस कर सकते हो। इसका इम्पैक्ट क्या आया, जो पे गैप था वो रिड्यूस हुआ, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो रिड्यूस हुआ, वुमेन जो हुई वो एम्पावर हुई, फेयरनेस और इक्विटी मार्केट के अंदर आई। चैलेंजेस यही थे कि एनफोर्समेंट करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है इंडिया के अंदर। और अनरिकॉग्नाइज सेक्टर में इसको इंप्लीमेंट करना, जैसे मैंने आपको ठेकेदारों का एग्जांपल दिया कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो इनडायरेक्ट हो जाता था। तो ये इसके बड़े चैलेंजेस हैं। इम्पैक्ट याद रख लेना, मेन प्रोविजन इसका याद रख लेना, थीम के ऊपर, यानी एक दो पेज में भी आपका पूरा 10 नंबर हो जाता है क्योंकि ये लॉ है। मैं फिर से बोल देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देके देख लेना, एक दो लाइनें और थोड़ा सा मैंने बुक के अंदर सारा डिटेल में लिख रखा है, वहाँ से भी देख लेना, नहीं तो आपके पास जो भी नोट्स बना रखे हैं वहाँ पे इस एक्ट को अच्छे से देख लेना। तो जय हिंद, अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।